इतना बंद करो इसको यार, क्या कर रही है? भाई साहब बीवी है मेरी, कोई चाहे भी तो हल्के में मुझको ले नहीं सकता। हुजूर पहले आ। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। दुनिया मेरे साथ बोल रही है, एक बार कह देते हैं सेलो प्रेजेंट, वाह भाई वाह। जिंदगी में कई बार आदमी जो बात बनाने के लिए दूसरी बात बनाता है ना, उसमें फंस जाता है, गड़बड़ हो ही जाती है। भाई बात बनती है तो बनने जानो, लेकिन आदमी कवर अप करने की कोशिश करता है, उसमें बड़ी मुश्किल हो जाती है। जैसे एक साहब किसी प्रोग्राम में बैठे हुए थे और मंच पे कोई एक महिला गा रही थी। अब वो कौन सा राग था वही जाने, गा रही थी, बहुत बढ़िया गा रही थी और सुर निकल रहे थे आ, 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 आ। हमारा एक दोस्त था, वो कहता था इस गायन में समझ में नहीं आता आदमी गा रहा है या कुल्ले कर रहा है। तो गा रही थी, तो यहां जो साहब बैठे थे उन्होंने पास वाले का, कौन है यार ये कौन यार, इसको बंद कराओ यार, इतना खराब कर रही है यार, मतलब इतना बंद करो इसको यार, क्या कर रही है? भाई साहब बीवी है मेरी, तो अब ये साहब कवर अप करने की कोशिश, बोले नहीं नहीं गा तो ठीक ही रही है, बोले अच्छा ही गा रही है, तो लिखने वाले ने खराब लिखा है, बोले मैंने लिखा है। कवर अप मत कीजिए वरना मुश्किल हो जाती है अरविंद जी, बड़ी मुश्किल हो जाती है। और बीवियों के सामने तो कतई मत कीजिए। वो बीवी आई और अपनी फोटो देख रहे, देखिए ना मेरी फोटो कितनी गंदी आई है, मैं इतनी बदसूरत हूँ क्या, बताओ ना बताओ ना बताओ ना, मैं इतनी बदसूरत हूँ क्या? अरे बोले नहीं बेबी जानू, तुम तो बहुत सुंदर हो है मेरी शोना, तुम तो एकदम बहुत ही अच्छी दिखती हो, तुम गंदी हो ही नहीं सकती है, तो फोटो लेने वाला ही कोई बेवकूफ है। बोले मैंने सेल्फी ली थी। कवर अप मत कीजिए जिंदगी में वरना मुश्किल हो जाती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कवर अप नहीं करते, खुले आम कह देते हैं। जब मैं आ रहा था शूटिंग के लिए, मेरे आगे एक ऑटो रिक्शा, मजा आ गया पढ़ के, क्या शायरी उसमें, जो शेर उसने दो लिखे वो शेर थे या नहीं आप तय कीजिए, लेकिन जो शायरी उसने की वो बड़ी कमाल की थी। हमारे हाथों में छिलके लिखा, ऐसी भाव से था उसने, मैंने तो पढ़ा था। हमारे हाथों में छिलके, उनके हाथों में हलवे थे, क्या बात है, हमारे हाथों में उनके हाथों में, अगली लाइन कमाल की थी। हमारे हाथों में छिलके, उनके हाथों में हलवे थे, सांप जैसे दोस्तों के बीच में भी उस नागिन के अलग ही जलवे थे। मैंने कहा ये भाई बड़ा कमाल का है, कवर अप करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे साथ तीन ऐसे ही लोग हैं जो खुली बात करते हैं, मन की बात करते हैं, अच्छी बात करते हैं, और तीनों हमारे साथ बैठे हैं। सबसे पहले मंच के जिस कोने पे बैठे हैं आप उनके चेहरे से परिचित हैं, वो वाह भाई वाह में कई बार आ चुके हैं, महेश दुबे। वैसे तो बनारस के हैं, मूलतः मुंबई में रहते हैं और हास्य के अद्भुत कवि हैं। और इधर अरविंद झा है जो लखनऊ से हमारे बीच में आते हैं, रेलवे में काम करते हैं। बीच में प्रेरणा प्रताप हैं जो यूं तो न्यूज़ पढ़ती हैं लेकिन बहुत अच्छे शेर कहती हैं, और पटना में हमारे बीच में रहती हैं। और ये तीनों ऐसा नहीं लग रहा कैसे संगीत के कार्यक्रम में आए हों, बस तबला और तानपुरा आने ही वाला है। बीच में जो ये खूबसूरत सी गायिका बैठी, बस कुछ ही देर में बस प्रारंभ आलाप लेने ही वाली है। आप क्या देख रहे हैं मेरी ओर ध्यान से इतना? मैं देख रहा हूं कि मैं आप जैसा क्यों नहीं हूं या आप मेरे जैसा क्यों नहीं है। वाह,
मेरे जैसे क्यों नहीं है, ये तो परिश्रम की बात है, लेकिन मैं आपके जैसा नहीं हूं, ये सौभाग्य है। मतलब मैंने ज्यादा परिश्रम कर लिया। तो हमारे बीच में अरविंद झा जो रेलवे में काम करते हैं, महेश दुबे और प्रेरणा प्रताप। तो आइए महफिल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बुलाता हूं लखनऊ से आए अरविंद झा को जोरदार तालियों के साथ। धन्यवाद सर, इतना भारी भरकम तरह से बुलाया सर आपने। चार पंक्तियां यहीं से शुरू हो रहा हूं मैं जी। कहते हैं कि दिया माँ बाप ने जो मुझको, वो कोई दे नहीं सकता। सही बात। दिया माँ बाप ने जो मुझको, वो कोई दे नहीं सकता। और करो बातें पर मेरी नाव कोई खे नहीं सकता। बड़ी मुश्किल से यारो मैंने ये सेहत बनाई है। बड़ी मुश्किल से यारो मैंने ये सेहत बनाई है। कोई चाहे भी तो हल्के में मुझको ले नहीं सकता। वाह। चार पंक्तियां और झेलने देखें कि दुनिया चाहे किया करे अब तेरे मेरे चर्चे। अच्छा। दुनिया चाहे किया करे अब तेरे मेरे चर्चे, सबका अपना है दिमाग वो चाहे जैसे खर्चे। पर मेरे दिल की बात समझ लेना तुम हरदम ऐसे, जैसे पढ़ लेते हैं सब केमिस्ट दवा के पर्चे। वाए हाए, वाए। और आदरणीय देखें कि कविता बनाने की प्रक्रिया किसी किसी लोग की क्या होती, देखें एक छंद के माध्यम से कि कविता बनाने हेतु पहले विचार कर छंद लय ताल की तुला पे उसे तोलिए। अच्छा। और फिर भी ना बने बात, बैठ साथियों के साथ कमी रही कहां इस बात को टटोलिए। और शाम दाम दंड भेद इसमें भी दिखे छेद, और लगे कविता बनाने है तो रोलिए, और कलम लिखेगी खुद नए नए भाव लिए, आजमान है तू एक क्वार्टर तो खोलिए। अच्छा, मतलब कलम तभी नए नए भाव लिखेगी जब क्वार्टर खोलना पड़े। नहीं सर, इससे प्रेरणा ना ले जी। मैं सबके लिए प्रेरणा से पूछ लेते, वो भी लिखती है जी। बिल्कुल नहीं, मुझे तो कभी ऐसी जरूरत नहीं हुई। हाँ, दिल जरूर चाहिए होता है लिखने के लिए जी। ये खूबसूरत सा दिल, खूबसूरत सा दिल। समझे जी सर? समझ समझे कि नहीं समझे? हाँ नहीं, अब बिल्कुल नहीं। हाँ, उसके लिए थोड़ा सा दिमाग सेट चाहिए होता है। अच्छा। और क्वार्टर नहीं, यहाँ पे एक फ्लैट चाहिए होता है, तब लिखेंगे। वाह भाई वाह, क्या बात है। चलिए सर फिर कुछ फुटकर शेर देख लें जी। फिदा जिस तिल पे दिल मेरा हुआ था। क्या बात कर रहे हैं आप इस उम्र में जी? अभी तो शुरुआत है सर जी। फिदा जिस तिल पे दिल मेरा हुआ था, नहीं तिल वो जुआ चिपका हुआ था। और मनाही थूकने की जिस जगह थी, मनाही थूकने की जिस जगह थी, हाँ, वहीं पर थूक के रखा हुआ था। शराबी एक भी लुढ़का नहीं था। शहरों में जो महफिलें होती है, शराबी एक भी लुढ़का नहीं था, न जाने किस कदर जलसा हुआ था। वाह वाह। और सर मैं लखनऊ से आया हूँ जी। नजाकत और नफासत का शहर देखें। शराबी एक भी लुढ़का नहीं था, ना जाने किस कदर जलसा हुआ था। हमारे लखनवी अंदाज देखो, हमारे लखनवी अंदाज देखो, बर्फ कहने ही से नजला हुआ था। हाय हाय, वाह 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 वाह, अरे बढ़िया शेर है। बर्फ कहने ही से नजला हुआ था। और नहीं अरविंद को अब याद इतना, हमारा कब कहां पंगा हुआ था। क्या बात है, क्या बात है। और कुछ फुटकर शेर और देख लें। सुनाए कि हमको हर दल में दलदल सी लगती है, और खादी की धोती मलमल सी लगती है, और उनकी नजरें अब इतनी पावरफुल हैं, उनको लीची भी कटहल सी लगती है। हाय हाय, क्या बात। उनको लीची भी कटहल सी लगती है, और मदिरालय का मीठा अनुभव कहता है। मदिरालय का मीठा अनुभव जी। हाँ, सबने कड़वा अनुभव बताया है जी। कि मदिरालय का मीठा अनुभव कहता है, लतिहड़ को ये गंगा जल सी लगती है। क्या बात। और एक गजल का शेर इसमें आ गया, देखें कि हमसे कहती है तुम बिल्कुल पगले हो। अच्छा।
अरे हमको तो वो खुद पागल सी लगती है। क्या बात, को तो वो खुद पागल सी लगती है और उनका दिल दरिया तो हम भी मेंढक हैं। दिल दरिया ख्याल समंदर का आया है। मेंढक है अरे जी, क्या तुलना है, वाह। उनका दिल दरिया तो हम भी मेंढक हैं। उनका दिल दरिया तो हम भी मेंढक हैं, अब उनके दिल में हलचल सी लगती है। हाय हाय, वाह वाह वाह, क्या बात, वाह। और अंतिम वक्ता देखे कि सबसे कहता है अरविंद हसो खुलकर, सबसे कहता है अरविंद हसो खुलकर, रचना मेरी प्योर हसल सी लगती है। वाह 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 वाह। आप लखनऊ की नफासत और नजाकत और जुबान की बात कर रहे थे, मुझे किस्सा याद आ गया। जुबान की मिठास भी क्या चीज होती है। मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे याद नहीं आ रहा किसने लिखा था, बहुत अरसे पहले की बात है, लखनऊ के किसी गली में कोई व्यक्ति ककड़ी बेच रहा था, सब्जियां बेचते वैसे ककड़ी बेच रहा था, ककड़ियां खरीद लीजिए खरीद लीजिए खरीद लीजिए। नॉर्मली हम जिंदगी में बात करते हैं तो कैसे करते हैं, जब हम बार्गेन करते हैं, जब हम भाव करते हैं, तौल करते हैं, तो कहते हैं कम में दे दे, तो अगला क्या कहता है, नहीं नहीं मिलेगा सर, जाइए कहीं और से ले लीजिए। लेकिन लखनऊ की वो बात मुझे याद आती है, क्या अंदाज था कहने का। तो एक महिला जो है वो कह रही थी ककड़ी क्या भाव दी, तो जो भी भाव रहा होगा, मान लीजिए 20 रुपये डजन, तो साहब 20 रुपये के डजन है, 20 रुपये के 12 हैं, तो उन्होंने कहा कि 16 में दे दो। अब लखनऊ की नफासत यहाँ आती है, कोई और जगह होती तो कहता नहीं 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 मिलेगा, जाइए इसमें नहीं, हमको पड़वरता भी नहीं है, ऐसा हम बोलते ना, नहीं होगा नहीं होगा। लेकिन जैसे ही उसने कहा कि 16 में दे दो, तो उसने कहा मोहतरमा 18 वाले भी अरमान लेके चले गए। ये भाषा है, ये सौंदर्य है भाषा का, नफासत का, नजाकत का। और आइए ऐसे ही एक नाजुक से कवि को बुलाता हूं, जो बहुत हल्के से सहजता से अपनी बात करता है और बड़े अंदाज से अपनी बात करता है। महेश दुबे, जोरदार तालियों के साथ। लखनऊ की नजाकत और नफासत की बात हो रही थी तो मुझे हंसी आ रही थी, क्योंकि मैं बनारस का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ तो बैंक की एक खिड़की से माल लूटते हैं और दूसरी खिड़की पे जाके बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट कर दो। अरविंद जी ने बड़ा नाजुक सा काव्य पाठ किया, उसमें दारू शराब मय सोमरस सब कुछ आ गया, जुआ मेंढक। दारू शराब की बातें कर रहे थे तो मेरी समझ में आया, इनको सोफे के मध्य से जो प्रेरणा मिल रही है आहा, उसी का प्रताप है। वाह, मैंने अपने बनारसी अंदाज में एक बार लखनऊ को देखा तो पंक्तियां बनी, आपको दे रहा हूं सुनिए जी। लखनऊ की नजाकत है दुनिया भर में मशहूर, वहीं का किस्सा है, ध्यान से सुनिए हुजूर। लखनऊ की नजाकत है दुनिया भर में मशहूर, वहीं का किस्सा है, ध्यान से सुनिए हुजूर। महिलाओं के अस्पताल में एक अजीबोगरीब केस आया, जिसे देखकर पूरा डॉक्टरी दल चकराया, प्रसव सीमा से डिलीवरी डेट से 3 महीने ऊपर हो चुके थे, एक महिला के पेट में जुड़वा बच्चे अभी तक रुके थे। अच्छा, आखिर हार कर डॉक्टरों ने ऑपरेशन का चीरा लगाया तो देरी का कारण समझ में आया, वे दोनों बच्चे नजाकत में थे नवाबों के भी बाप। लगातार 3 महीने तक एक दूसरे से कहते रहे, हुजूर पहले आ, हुजूर पहले आ, हुजूर पहले। एक कविता दे रहा हूं, नमस्कार को टाटा खाया जूती खाए लपाटा, अंग्रेजी के चक्कर में भाई हुआ बड़ा ही घाटा, बोलो धत तेरे की। माता जी को मम्मी खा गई, ओहो, पिता को खाया डैड, और दादाजी को ग्रैंडपा खा गए, सोचो कितना बैठ के, बोलो धत तेरे की। चौपालों को बार खा गया, चौपालों को बार खा गया, रिश्ते खाया टीवी, और देख सीरियल लगा लिपस्टिक बक बक करती बीवी, बोलो दत्त तेरे की। अंग रखे को
कोट खा गया, अंग रखे को कोट खा गया, धोती खाई पैंट, अंगोछे को टाई खा गई, अतर को खाया सेंट के बोलो दत्तेगी, और रसगुल्ले को केक खा गया, अरे रसगुल्ले को केक खा गया, दूध पी गया अंडा, और दातुन को टूथपेस्ट खा गया, छाछ पी गया ठंडा बोलो दत्तेगी, और बातचीत को चैट खा गया, चैट ओए होए होए, बातचीत को चैट खा गया, चिट्ठी पत्री नेट, और हुत्तुत्तू को ताश खा गई, गुल्ली खाया बैठ के बोलो दत्तेरेगी, और परंपरा को कल्चर खाया, परंपरा को कल्चर खाया, हिंदी को अंग्रेजी, और दूध दही के बदले पीकर चाय बने हम लेजी बोलो दत्तेरेगी, क्या बात है भाई, वाह वाह, बदलती परंपराओं पे ऐसा प्रहार जो तुमने किया महेश, बिल्कुल सही बात है, जिस तरह से हम बदलते जा रहे हैं। नित्यानंद तुषार गाजियाबाद के एक शायर है, कहते हैं कि हमें बहुत खूबसूरत नजर आ रही हैं, ये राहें तबाही के घर जा रही हैं। जो कुछ बदलाव है, अगर जिंदगी में बदलाव वैज्ञानिक तरीके से है तो ठीक है, लेकिन हमने न जाने क्या क्या खो दिया। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हमने वो सब तमाम चीज़ें खो दी जो हमारे जीवन का हिस्सा हुआ करती थी। भाषाएँ खोने लगी, संस्कृतियाँ खोने लगी, हाव भाव खोने लगे, आचार विचार खोने लगे। मुझे वो ज़माना याद आता है जब शाम को मैं दूसरे के घरों में जाया करते थे, मुझे वो ज़माना याद आता है जब लाइब्रेरी में अखबार पढ़ने जाया करते थे, मुझे वो ज़माना याद आता है जब बाग में घूमने जाया करते थे, मुझे वो ज़माना याद आता है जब गन्ने का रस पीने जाया करते थे, मुझे वो ज़माना याद आता है जब रेहड़ी पे कचौड़ी और समोसा खाते थे, मुझे वो ज़माना याद आता है जब अस्पताल में लोग फूल लेके नहीं जाते थे एक परंपरा निभाने के लिए, वो जाके उसके पास बैठते थे, उसका हालचाल पूछते थे। लेकिन व्यस्तताओं ने हमें ऐसा बना दिया कि मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि न जाने इस माहौल का क्या असर हो गया, न जाने इस माहौल का क्या असर हो गया, इतना भागने लगा हूं मैं कि मैं आदमी नहीं दफ्तर हो गया। जिंदगी भर इस भागदौड़ की जिंदगी में मेरे लिए कुछ नहीं बचा, लेकिन अश्लीलता ने टीवी खा लिया, पूर्णता ने हंसी खा ली, वल्गैरिटी ने मुस्कुराहट खा ली, गंदे लतीफों ने स्मित हास्य खा लिया, लेकिन उन सब के बीच में जिंदा है हिंदी कविता। भाई यहां से मतलब जाने से पहले गया तो मैं कहीं हूं ही नहीं, लेकिन आपसे कुछ देर जो ये विदा ली थी उसके पहले अरविंद झा और महेश दुबे ने भाई कमाल किया। हम बात कर रहे थे हिंदी कविता की, हिंदी कविता है जिंदा है, और हम चाहते हैं कि कविता की संस्कृति और संस्कार घरों तक पहुंचे, इसीलिए ये हमारा बीड़ा है कि हम नए नए लोगों को बुलाते हैं, आपके बीच में प्रस्तुत करते हैं। मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब मैं किसी नई प्रतिभा को देश के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। अरविंद झा पहली बार वाह भाई वाह में आए हैं, इसलिए हमें बड़ी खुशी है। बहुत वर्षों पहले अरविंद को मैंने सुना था एक जगह और एक कार्यक्रम में मैंने बुलाया था, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि ठीक ढंग से आज ही लॉन्च किए गए हैं तो इसमें कोई शक नहीं होगा। और एक ऐसी प्रतिभा को हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं जिसमें शेर कहने की तमीज़ है, जिसमें शेर पढ़ने की काबिलियत है। वो पटना से हमारे बीच में आती हैं और खूबसूरत अंदाज से कहती हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि हम देश भर को सौंप रहे हैं एक ऐसी प्रतिभा जो कल इस देश के आसमान पे एक बड़ा नाम होंगी। प्रेरणा प्रताप, जोरदार ताली। मैंने सीखा नहीं है डर जाना, मैंने सीखा नहीं है नहीं है डर जाना, हार कर हौसला बिखर जाना, हादसों ने सिखा दिया मुझको जिस तरफ खौफ हो उधर जाना, वाह 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 वाह, मैंने सीखा नहीं है डर जाना, वाह, आसमां चूमना परिंदों सा शाम होते ही अपने घर जाना। क्या बात है, और ये शेर देखें कि इस तरह डूबना मोहब्बत में उसको जीना उसी पे मर जाना। हाय हाय, क्या बात है, वाह। मैंने सीखा नहीं है डर जाना, हार कर हौसला बिखर जाना। क्या बात है, और ये देखें कि
जुबान से मैं ये क्यों कहूं भला हुआ बुरा हुआ, जुबान से मैं ये क्यों कहूं भला हुआ बुरा हुआ, है दर्ज उसके पास सब, वहां है सब लिखा हुआ। अरे क्या बात है, अरे बहुत बढ़िया शेर है, वाह वाह। अरे प्रेरणा फिर से पढ़ो, क्या बात है। जुबान से मैं ये क्यों कहूं भला हुआ बुरा हुआ, है दर्ज उसके पास सब, वहां है सब लिखा हुआ। और इसके अगले शेर में मैंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया है बूमरैंग, जो यहाँ नौजवान बैठे हैं आप बखूबी वाकिफ होंगे, तो ये देखे कि लेकिन बूमरैंग, मैं देश को बता दूं, बूमरैंग एक तरह का आप उसे खिलौना ही समझ लीजिए, एक फेंकने वाली चीज होती है, और बूमरैंग के लिए कहा जाता है कि उसे जैसे ही आप फेंकेंगे वो घूम के पास आपके पास पुनः लौट आएगा। शायद ऑस्ट्रेलिया में इसका आविष्कार हुआ था अगर मैं गलत नहीं हूं, तो बूमरैंग को अगर आप फेंकते हैं तो वो घूम के आपके पास लौट आता है। जी। बिल्कुल, हमारी जिंदगी का भी यही फलसफा है, कर्मा, हम सब ने सुना है। तो देखिए कि जुबान से मैं ये क्यों कहूँ भला हुआ बुरा हुआ, है दर्ज उसके पास सब, वहाँ है सब लिखा हुआ। ये जिंदगी है बूम रैंग की तरह ही हूबहू, है तयशुदा कि लौट कर मिलेगा सब किया हुआ। हाय हाय, हाय हाय, वाह वाह। और ये देखें चार मिसरे, ये देखें कि मेरा इश्क जरा नूरानी और जरा रूहानी है। अच्छा, मेरा इश्क जरा नूरानी और जरा रूहानी है, बस उसको महसूस किया और इन आंखों में पानी है। हाय हाय, हाय हाय, बस उसको महसूस किया और आंखों में पानी है, वो दूर होकर भी हरदम हर पल पास है मेरे, इस बेलौस मोहब्बत की बस इतनी सी ही कहानी है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है प्रेरणा, वाह बहुत बढ़िया। बहुत इस बेलौस मोहब्बत की बस इतनी सी कहानी है, वाह। लेकिन हम क्या मजाइया लोग हैं, हमें थोड़ा अलग काफिया दिमाग में आते हैं। जब मैं ऐसा सुनता हूँ ना तो मेरा दिमाग थोड़ा सा चलने लगता है। इस बेलोस मोहब्बत की बिल्कुल अलग कहानी, इसका मतलब क्या था इस गजल का? मेरा इश्क जरा नूरानी और जरा रूहानी है, बस उसको महसूस किया और हाय हाय हाय। मेरा इश्क जरा नूरानी और जरा रूहानी है, सूखा सूखा बाथरूम से निकल के बाहर आया, सूखा सूखा बाथरूम से निकल के बाहर आया, टोका बाप ने तो कहा खुद नहाओ कितना ठंडा पानी है। बीवी से झगड़े के बाद दो चप्पल भी हमने खाए, ये अरविंद जी आपका शेर है। बीवी से झगड़े के बाद दो चप्पल भी हमने खाए, हमने कहा चप्पल रख दे अब रोटी भी खानी है जिंदगी में। कहने का मतलब यह है कि आप ही की अंदाज में कहूं तो रोएंगे तो कोई आंसू नहीं पहुंचेगा, रोएंगे तो कोई आंसू नहीं पहुंचेगा, हंसते रहिए बस इसी तरह जिंदगी बितानी है, जिंदगी में हंसना बड़ा जरूरी है। और हम बढ़ते हैं आगे हमारे उस सेगमेंट की ओर जिसका नाम है कहानी थोड़ी इल्मी। रणधीर कपूर साहब और परवीन बाबी जी हैं, किसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं। वाह, अचानक इनकी सहेलियां या पता नहीं कौन आ गया है, किसी को जाता है कुछ दिमाग में? जी दुबे जी, ये जो हीरो है वो दिल में क्या सोच रहा होगा? जी, प्यार का छकड़ा खींच लाया हूं गड्डी की तरह। अच्छा, प्यार का छकड़ा खींच लाया हूँ गड्डी की तरह, प्यार का खेल भी खेला है कबड्डी की तरह, मेरे अरमान मगर किस तरह टूटे यारो, सालियां कूद पड़ी कबाब में हड्डी की तरह। वाह, सालियां कूद पड़ी कबाब में हड्डी की तरह, और जिंदगी जीनी है तो काफियों से मोहब्बत कर लो, जिंदगी
जीनी है तो काफियों से मोहब्बत कर लो, वरना यूं ही रहोगे हमेशा फिसड्डी की तरह। वाह भाई वाह।